ट्रेन की चार बोगियों में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। ट्रेन में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ये पूरा हादसा मुरैना जिले के हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां दिल्ली से 20848 दुर्ग एक्सप्रेस आई थी, लेकिन अचानक उसमें आग लग गई। आग लगते ही ट्रेन में सवार लोग तुरंत नीचे उतरे। आग ने चार बोगियों की अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का काम किया गया। हालांकि इस आगजनी के दौरान काफ़ी देर तक लोग दहशत में रहे, क्योंकि जिस तरह से अचानक से ये हादसा हुआ था, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि आग इतनी जल्दी बढ़ जाएगी और लोगों को दिक्कतें हो जाएंगी। वहाँ मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी तुरंत सभी को दी, जिसके बाद समय रहते इस हादसे को टाल दिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। टीवी में आएगा समझ में, इधर का चारों से पक्षी के इधर वो भीड़ भाड़ जो मच रही है उसको देखा। आज हम कैसे जाएंगे अंकल, हम कैसे जाएंगे? अब ये जाएगी, अभी जाएगी, और जाती है और चली जाएगी तो क्या होगा? ये हट जाएगी सामने से, अभी आग बुझ के उठ जाएगी। ये तो जो है ख़त्म अपना होता रहेगा जो होना है, बाकी लोगों को पहुँचाएगा आगे स्टेशन में जो और जो रहेगा। ये है दो चार घंटे में छोड़ना था इस टाइम की दी होगी, क्या बोलेंगे? बढ़िया, वो ट्रेन के जो डिब्बे जले नहीं है ना, उनको अलग कर रहे हैं। जो लगी हुई है कितनी मिनट का बना दें? बना दो, दो तीन मिनट का। जले नहीं है इसमें, जले नहीं है वो, उनको अलग कर रहे हैं कि वो भी ना जल जाए। ठीक है, आगे कर रहे हैं, उनको बहुत तगड़ी आग लगी। वीडियो चालू है, आप बना लो सारे। नहीं, आप बना दो वीडियो, जब बंद करना हो तब यहाँ पे मार देना। हाँ तो बंद कर दो बस, हो गया। एक मिनट, बेसणा देवी पर जाने वापसी आई है ट्रेन, उसमें आग लगी है सरायछोला स्टेशन पर, एकदम पर। अनिल बनाइए, अनिल लग रही है आयते लगी है जी आगे।